में बहुत ज्यादा क्रेज था, मतलब मैं घर पे भी बॉयज के साथ क्रिकेट ही खेलती थी ज्यादातर. हाँ, तो स्कूल में भी ऐसा था कि कंपटीशन चलता था बॉयज के बीच में, तो वो मुझे कॉल अप करते थे क्रिकेट ही खेलना है क्रिकेट. तो उस वजह से मैंने क्रिकेट एज अ अपने आप को क्रिकेट में डाला और क्रिकेट ही चूज किया. तो घर पे आपके भाई थे, बहन है, कि क्या सिब्लिंग्स कितने हैं आपके? मेरी एक सिस्टर है. एक सिस्टर है. ओके. क्रिकेट जो खेलना शुरू किया था लड़कों के साथ, तो ये आपके कॉलोनी के थे, सोसाइटी के थे, कहाँ से? हाँ, ये मेरे कॉलोनी के ही थे, मेरे आस पड़ोस के बॉयज जो थे. तो वो गली क्रिकेट से शुरू किया था हम लोगों ने. तो हमारी एक छोटी सी गली हुआ करती थी, तो वो गली से खेलना शुरू किया, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया. देहरादून में ही? देहरादून में. तो स्कूल कॉलेज सब कुछ वहीं पर? सब देहरादून. ओके. कैसे आपने मैनेज किया क्रिकेट खेलते हुए और पढ़ाई को? मेरी स्कूलिंग भी देहरादून से ही है, तो दून वैली स्कूल. तो दून वैली स्कूल. ओके. तो वहाँ पर भी जो हमारे क्लासमेट्स होते थे बॉयज, तो मैं उन्हीं के साथ खेलना ज्यादा प्रेफर करती थी. okay. गर्ल्स के बजाय. okay. okay. क्योंकि गर्ल्स को इतना इंटरेस्ट था नहीं क्रिकेट में. कोई होगा ही नहीं ना आपके साथ खेलने वाला. तो मैं सिर्फ अकेली लड़की होती थी इतने सारे बॉयज के बीच में. okay. तो वहीं से खेलना शुरू किया. तो धीरे 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 इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया. तो साथ ही में स्कूल वालों ने भी काफी मेरे को प्रेफरेंस दी, काफी सपोर्ट किया. तो जैसे जाना होता था कहीं भी 2-4 दिन की छुट्टी में, या इंडोर क्रिकेट हुआ करता था उस टाइम पे स्कूल की तरफ से. तो उन्होंने वहां सेलेक्ट किया, धीरे धीरे वो आगे भेजते थे. ओके ओके. तो फिर स्कूल में आपने जब ये खेलना शुरू किया, तब वहां पे कोई गर्ल्स की टीम भी थी या अकेले ही लड़ रहे थे बॉयज के साथ? नहीं, एज सच गर्ल्स की टीम तो कोई भी नहीं थी. ओके. बट वो खेलना था इसलिए टीम पूरी करनी थी. हाँ, हाँ. तो ऐसे ही धीरे धीरे बस एक दो लड़कियों को इकट्ठा कर कर जमा किया और बस बना दी टीम. तो आपने जब शुरू किया था, तब टेनिस बॉल से खेलते थे या फिर डायरेक्टली आपने सीजन बॉल से, लेदर बॉल से खेलना शुरू कर दिया? टेनिस बॉल से स्टार्ट किया मैंने. ओके ओके. जो आपके गली में? हाँ. ओके. वहाँ पे टेनिस बॉल और वो प्लास्टिक की बॉल्स चलती थी. हाँ जी. हाँ हाँ. तो वो उसी से शुरुआत करी मैंने. ओके. आप लोग ने भी किया क्या वैसा? हाँ, वो जो हम फ्रेंड्स से फिर वो कुछ पैसे जमा करते, एक-एक दो-दो रुपए बॉल हो जाती थी, तो हम सब लोग पैसे इकट्ठे करते थे, फिर वो बॉल लेने जाना, ये सब किया है. और ऐसा कभी हुआ है कि बस बॉल मार दिया, घूम गया और फिर सब आपको ब्लेम कर रही है, तुझे इतना दूर क्यों मारा? ऐसा हुआ है वैसे. ऐसा आपके साथ हुआ? उस टाइम पे बैट भी नहीं हुआ करते थे. हाँ, बिल्कुल. तो बैट वो हम लोग लकड़ी को काट काट के वो बैट बनाते थे. अच्छा. तो ऐसा भी खेला है हमने. ओके ओके. तो आपके सिस्टर भी इंटरेस्टेड थी खेलने में या फिर सिर्फ आप ही थे थोड़े? उसको थोड़ा बैडमिंटन का शौक था. अच्छा. तो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्टडीज में थी. अच्छा. लेकिन उसने मेरा इंटरेस्ट देख के उसने मेरे को ज्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ. हाँ, खेलो. हाँ, हाँ. स्टडीज तो वैसे भी किसको नहीं अच्छी लगती. नहीं, ऐसा नहीं है. स्टडीज आपको अच्छी लग रही थी? स्टडीज में भी मेरा सेम था. जब तक स्कूल में है तब तक स्टडी भी अच्छी थी. अच्छा. और साथ में गेम्स भी, दोनों मैनेज करना पड़ता. तो पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप स्टडीज में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, उसमें फ्यूचर है? क्योंकि जब आपने खेलना शुरू किया था तब वुमेन्स क्रिकेट इतना पॉपुलर था नहीं, जॉब भी होते हैं कि वो भी नहीं पता था. तो पेरेंट्स का ऐसा नहीं था कि भाई आप सिक्योरिटी पहले देख लो, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर कोई स्पोर्ट्स ट्राई करो? नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा एसेट रहा है कि मेरे को मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, नहीं ना ही स्टडीज में था, ना ही किसी चीज को लेकर. okay. उनका ये था कि तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो. अच्छा. बाकी पीछे हम हैं सपोर्ट के लिए. okay. तो इसलिए मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है. एक ये बहुत ही कॉमन चीज है, पता है, जितने भी आज वुमेन क्रिकेटर्स हैं जो आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, 90% ऑफ द प्लेयर्स के केस में जो उनकी फैमिली है बहुत सपोर्टिव रही है. तो ये लक आप कह सकते हो या फिर आपने भी थोड़े हार्डवर्क लिए, थोड़ा अच्छा गेम इम्प्रूव करके दिखाया उनको, तब वो कॉन्फिडेंस आया? कि उनको डे वन से कॉन्फिडेंस था पहले से? की उनको भी था कि चलो हमारी लड़की जा रही है, खेलने जा रही है, कोई बात नहीं. तो उनको, उन्होंने देखा फिर इंटरेस्ट है. तो उन्होंने अभी कैसा है ना कि किसी चीज में फोर्स नहीं किया. अच्छा. तुम्हें खेलना है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया. पेरेंट्स ने? हाँ, पूरा सपोर्ट किया. बढ़िया. चाहे कुछ हो उसमें या ना हो, तुम अपना 100% दो. ओके ओके ओके. तो बस मुझे फुल सपोर्ट था तो मैं भी अच्छा करती हूँ. ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर. अच्छा, अच्छा. क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता ना, हाँ, तो इतना आगे नहीं बढ़ पाते शायद. पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. उन लोगों का सपोर्ट था इसीलिए शायद मैंने और ज्यादा एफर्ट्स भी किए. क्योंकि मुझे ये नहीं था कि आगे जाके मुझे कहीं वापस आना नहीं पड़ेगा, चाहे मैं जीतूं या चाहे मैं हारूं.
तो आप ये कौन से ईयर में थे, आप ये कौन सा ईयर था ये जब आप ये क्रिकेट में ट्रांजिशन कर चुके थे, आपने डिसाइड कर लिया था कि आप मुझको ये प्रोफेशनली परस्यू करना है ये चीज को? एक्चुअली मेरी, मैं जब 9 साल की थी तभी मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। Okay. तो मुझे तभी से था कि हाँ, अगर मैं इसको ले रही हूँ इस गेम को, तो मुझे आगे के लिए ही सोचना है। Okay. फिर मैंने उसको सेकंड थॉट नहीं दिया कभी। हाँ, अगर खेलना है, अगर उसको परस्यू करना है, हाँ, तो फिर आगे के लिए ही जाना है। ओके ओके, ये कौन से एकेडमी, क्या नाम, क्या था ये? लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब। Okay. वो देहरादून में ही है। अच्छा, तो हमारे गांव में ही उन्होंने एक मैच ऑर्गेनाइज किया था, वो भी बॉयज का ही मैच था। ओके, तो उस टाइम पे बहुत शाय थी मैं। हाँ, तो ऐसे अब थोड़ा खुल गई हूँ। तो ऐसे मैं पेड़ के पीछे छुप रही थी वो मैच देखने के लिए। नहीं, मैच देख लिया था। हाँ, लेकिन क्या, वो गांव के जो लड़के थे ना, हाँ, हाँ, तो वो सब ऐसे मेंशन कर रहे थे उनको कि एक लड़की है यहाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है। तो मैं बहुत शाय थी, तो मैं पेड़ के पीछे छुप रही थी। Okay. कि मुझे नहीं जाना उनके सामने। हाँ, हाँ, बट वो क्या हुआ ना कि अब क्या कह सकते, इसको किस्मत कह सकते हैं। बस वो आए, फिर मैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप बैटिंग करके दिखाओ, बॉलिंग करके दिखाओ। तो उन्होंने मुझे वहां से सेलेक्ट कर लिया कि चलो तुम आओ हमारी एकेडमी, वहां से परस्यू करो। तो ये जो जिसने आपको अप्रोच किया, वो कोई कोच थे वहाँ पे या कोई ऐसी प्लेयर था जिन्होंने आपको अप्रोच किया? वो एकेडमी के कोच थे। Okay, किरण शाह और नरेंद्र शाह। अच्छा, दोनों मेरे कोच रहे हैं शुरू से। Okay, जिन्होंने, जिनके अंदर मैंने क्रिकेट शुरू किया। करेक्ट, करेक्ट। जिनके अंदर मैंने गाइडेंस ली। करेक्ट, सब कुछ। Okay. तो वो दोनों आए थे। अच्छा, तो फिर ऐसे करते करते मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया, तो वहां से शुरू हुई मेरी असली जर्नी। ओके, सो एट 9 यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू गेट इनटू द प्रोफेशनल सर्किट। ठीक है, और वो टाइम पे घर के सिचुएशंस कैसी थी? फाइनेंशियली वर यू स्टेबल या फिर वहां पे भी कुछ इश्यूज थे पहले? शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, बीच में, फिर उसके बाद जैसे मैं 1-2 साल होता गया तो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा होने लगी, बिकॉज़ हमारे देहरादून में एसोसिएशन नहीं थी। हाँ, करेक्ट। ठीक है, उत्तराखंड को एसोसिएशन नहीं थी। अभी 2 इयर्स ही हुए हैं उत्तराखंड को एफिलिएटेड हुए बीसीसीआई से। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैच भी खेलने थे, एक्सपीरियंस चाहिए था। तो जो लोकल मैचेस होते हैं, क्लब मैचेस होते हैं, वो खेलने जाना होता था डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स में। तो उसमें क्या होता था कि हम लोगों को खुद से पैसे दे के जाना होता था। ओके ओके, ठीक है, आप कहीं भी जाओ। हाँ, कहीं भी ट्रैवल करो। हाँ, वो ट्रेन का या चाहे बस से। हाँ, हाँ, वो खुद का देना होता था। ओके ओके, तो शुरू में ठीक है, 1-2 बार चलता है, लेकिन अब जब वो ज्यादा होने लगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ओके ओके, मैंने जब क्रिकेट शुरू किया था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। Okay. सामान कहाँ से आएगा। अच्छा, ये कहाँ से आएगा। हाँ, बट मेरे क्लब में मेरे को बहुत हेल्प किया इस चीज, इन चीजों में। जो भी क्लब मेंबर्स थे या मेरे कोचेस थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। Okay. मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे उससे स्टार्ट किया कि नहीं, महंगे महंगे बैट्स या यो पैड्स एंड ग्लव्स, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो लोकल शॉप्स में मिलते हैं, मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। तो उन लोगों ने मेरे को हेल्प करी काफी। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स जब आई, तो मेरे कोचेस ने मेरे से फीस भी नहीं ली थी, कोचिंग okay, okay, जो हम लेते हैं एकेडमी में लेते हैं, जो फीस लेते हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं ली। तो मेरे को काफी हेल्प किया वो। तो तब ये एकेडमी में और कोई लड़कियां थी या आप अकेले ही खेलते थे तभी? हाँ, एकेडमी में गर्ल्स थी वहाँ। हाँ, पर 3-4 गर्ल्स थी। ओके, तो अच्छा लगता था गर्ल्स के साथ। वैसे तो वहाँ पे भी ज्यादातर बॉयज के साथ ही प्रैक्टिस करी है। हाँ, लेकिन वो 3-4 गर्ल्स थी तब भी जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके, और उसके बाद तो हमें देख देख के फिर और बढ़ती गई। और बढ़ती गई होंगी। एक और इम्प्रेसिव चीज ये है कि आप कुछ 9-10 किलोमीटर साइकिल से, आपके घर से साइकिल से जाते थे इतना दूर का डिस्टेंस कवर करके। हाँ, एक्चुअली 8-9 किलोमीटर दूर था ये एकेडमी, हम लोग। हाँ, एकेडमी। ओके, तो क्या होता था, पहले हमें स्कूल जाना होता था। हाँ, स्कूल से जल्दी जल्दी भाग के आना होता था। हाँ, हाँ, और घर में कोई ऐसा था नहीं कि कोई रोज रोज लेने जाए। हाँ, या हाँ, फिर हाँ, ऐसे छोड़ने जाए। सही है। तो रोज रोज कोई नहीं कर पाता है, सबके अपने काम होते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए खुद से डिसाइड किया कि नहीं, अभी खुद ही जाना है। तो लोकल ऑटोस चलते थे। हाँ, तो हाँ, उन्हें ट्रैवल करना स्टार्ट किया। ओके, वो धीरे धीरे। तो फीडबैक लेके कैसे ट्रैवल करते थे ये ऑटोस में, मतलब मिल जाता था बैठने करना तो पड़ता था। थोड़ी बीच बीच में होती थी मुश्किल, जैसे हाँ, कुछ लोग होते थे नहीं हाँ, बैठाते थे इतने सामान के साथ। हाँ, थोड़े रिक्वेस्ट कर लेते थे हाँ, प्लेयर है, थोड़ा एडजस्ट हो जाता था।
और बाकी के पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसी दिक्कत छूट कभी नहीं आई। वो अच्छे से मैनेज हो गया। अच्छा, फिर ये आपने जर्नी फिर शुरू की, आपने एट नाइन यू जॉइंड अ क्रिकेट क्लब, वहाँ से फिर प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, काफ़ी सपोर्ट मिला आपको आपके इस अकेडमी से, राइट? उसके बाद वापस से नेक्स्ट स्टेप क्या था, वहाँ पे आपने टूर्नामेंट्स कोई खेलने मिले आपको, या फिर आपने शायद कोई एक और टूर्नामेंट आपने जाके अलाहाबाद में खेला है जिसके लिए आपको बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी वो टूर्नामेंट क्या था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, आपने एग्जैक्टली क्या परफॉर्म किया था वहाँ? एक्चुअली वो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वो सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट्स होते थे स्टार्टिंग में, तो मैंने स्टार्टिंग सॉफ्टबॉल से ही करी है। अच्छा, तो जब हम लोग गए अलाहाबाद से कॉल आया कि यहाँ पे कोई लोकल टूर्नामेंट चल रहा है सॉफ्टबॉल का, तो वहाँ से फिर हम लोग वहाँ गए। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी, कुछ नहीं था। वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरी लाइफ का, क्रिकेट का जो फर्स्ट टूर्नामेंट। तो मतलब मैं नर्वस भी नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी, बस खेलना है जाके जैसा मर्जी। तो वो टाइम ऐसा था कि एनर्जी भी बहुत थी क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट है, डेब्यू है मेरा। करेक्ट, डेब्यू भी है इतने, और यूपी में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ आती है देखने के लिए, तो उनको देख के भी काफी जोश आया। तो उसमें मुझे वुमेन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला था, फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट टूर्नामेंट था वो, तो वहां से मुझे और एनकरेजमेंट मिली कि नहीं अभी करना ही है। तो ये फर्स्ट टूर्नामेंट में ही आपको कहाँ से इतना पावर आया कि आपने सीधा प्लेयर ऑफ द सीरीज मार लिया वहाँ पर? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं ना, जब तुम्हें कुछ चीज चाहिए होती है तो तुम उसके लिए जी जान लगा देते हो, तो वही सीन था मेरे साथ भी। पूरे ग्राउंड में ऐसे मैं ही भाग रही थी बस, कहीं भी बॉल जा रही है। तो आपकी जो टीम थी ये देहरादून से गई थी ये टीम? हाँ, देहरादून से अकेडमी की टीम थी, अकेडमी की टीम थी हम लोगों को आगे क्या लेवल है, क्योंकि उस टाइम पे इतना वुमेन्स क्रिकेट जो है इतना भी नहीं था, तो इतनी भी समझ नहीं थी। ये था कि मेरे को शौक है, मुझे खेलना है, तो था कि खेलेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे, बस ये दिमाग में रहता था कि इंडिया एक दिन इंडिया रिप्रेजेंट करना है, तो बस वो ही सोच के मैंने अपने सारे टूर्नामेंट्स खेले। तो आपको पता था तभी कि वुमेन्स टीम है और वुमेन्स टीम के ये पता था प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स इतने मैं नहीं जानती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं जानती थी इतने उस टाइम पे, सिर्फ एक मिताली राज और झूलन गोस्वामी का तब नाम मैंने सुना था। तो मैं उस टाइम पे इतना नहीं जानती थी, लेकिन ये था कि अगर मैंने कुछ चीज परस्यू करने जा रही हूँ उस चीज को मेरे को अच्छा रिजल्ट देना है, तो वही बस माइंड में था कि हाँ एक दिन मैं बस इंडिया की जर्सी पहननी है, बस उसके लिए खेलूं। तब से यही था ऐसा, कुछ दिमाग में और कुछ चलता नहीं था। तो फिर ये टूर्नामेंट के बाद फिर और कौन से टूर्नामेंट खेले उसके बाद, और वापस से जब आप घर आए तो फिर देहरादून में और कोई टूर्नामेंट्स खेले आपने? हाँ, देहरादून में भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वो लोग, लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे, ऐसे कॉलेजेस के ग्राउंड्स होते थे, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल ग्राउंड वहाँ पे तब नहीं था, अभी बना है लेटेस्ट ग्राउंड, तो वो क्या होता है कॉलेजेस के ग्राउंड्स रहते थे, तो वहाँ पे टूर्नामेंट होते थे, तो हमारी एकेडमी भी ऑर्गेनाइज करती है उनको, जो हमारे कोच हैं वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करते थे हर साल टूर्नामेंट, तो वो खेलते थे वहाँ, तो वहाँ पे अलग अलग टीम्स आती थी, कोई हरियाणा से, यूपी से, उनके साथ कंपटीशन होता था, तो उनके बीच में खेल खेल के फिर थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस आने लगा, थोड़े अवार्ड्स मिलने लगे, तो फिर और उसको सीखने की इच्छा बढ़ती गई, एनकरेजमेंट मिलता रहा। अब ऐसा होता है ना कि चार लोगों से अगर चार लोग तुम्हें एनकरेज कर रहे हैं, तो फिर खुद से दिल में आता है नहीं अब ये करना है और अच्छा करना, तो वही बस वही है मेरी जर्नी, इसी पे बेस्ड है वो लोकल टूर्नामेंट से लेके बस। आपकी जर्नी में और बहुत कुछ है जिसको हम धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आपको अभी आपका डेब्यू का न्यूज कैसे मिला, पता कैसे चला कि मैं डेब्यू करने वाली हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं कहीं से ट्रैवल कर रही थी घर के लिए, तो मुझे था कि टीम डिस्क्लोज होने वाली है, तो
आई वाज लाइक ओके, तो मैं लेट नाइट ट्रैवल कर रही थी घर के लिए, आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कहाँ से ट्रैवल कर रही थी, तो मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे था कि टीम आने वाली है, तो थोड़ा नर्वसनेस थी कि क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीजन अच्छा गया था, तो मुझे थोड़ा थी उम्मीद कि हाँ चलो, मैं ऐसा सोच रही थी, ये मेरी अजम्पशन थी कि चलो हो, तो मैं उसको देख रही थी, तो जैसे ही मैंने देखा साइट में, तो उसमें मेरा नाम नहीं दिखा, आपने मोबाइल पे चेक किया, मोबाइल में चेक किया, मैंने वो साइट खोली, तो उसमें मैंने ऊपर ने कुछ नहीं देखा, वो क्या हेडलाइंस है क्या है ना, सीधा सीधा टीम देखी, उसमें मुझे नाम नहीं दिखा, मैं थोड़ी अपसेट हो गई, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही घर पहुंची, तो सिस्टर मम्मा इन सब के साथ बैठी थी, तो मैंने उनको भी बोला सॉरी नाम नहीं आया, तो ऐसे बैठी थी नॉर्मली। तो मेरी एक फ्रेंड है वो हैदराबाद से, तो उसका मेरे को टेक्स्ट आया कि कांग्रेचुलेशंस, तो आई वाज लाइक क्यों मुझे क्यों मजाक प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, एग्जैक्टली मतलब मुझे क्यों, एक तो मैं वैसे ही अपसेट हूं टीम देख के, अब मेरे को क्यों, मतलब मेरे को क्यों कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, लाइक क्यों, अरे यू गॉट सिलेक्टेड, तो मैं नॉर्मली मतलब पागल है क्या, कहां अभी तो मैंने टीम देखी, मुझे तो नाम नहीं दिखा, कितनी नहीं नहीं मजाक मत कर सच में, मतलब तेरा नाम है, तो उसका तुरंत मेरे को कॉल आया, पहले टेक्स्ट पे हम लोग चैट कर रहे थे, फिर उसका कॉल आया कि अरे यू इडियट, तुम्हारा नाम है टीम में, मैंने कहा नहीं है यार, मैं मतलब मैं उससे लड़ रही हूँ। अब थोड़ा और रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पहले आते हैं, इंडिया में आपका सिलेक्शन हो गया 2014 में और श्रीलंका के अगेंस्ट आपने आपने डेब्यू किया, ठीक है, पर उसके पहले मेरे को ये जानना है कि यहाँ तक की जर्नी कैसे रही, आपने डायरेक्टली तो आपको इंडिया खेलने ऑफ कोर्स नहीं मिला रहेगा, आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा डोमेस्टिक लेवल पे, तो पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज उत्तराखंड में एसोसिएशन ना होने के कारण तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि देहरादून एक छोटी सिटी है, वहाँ पे क्रिकेट परस्यू करना और आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पे एसोसिएशन ऑलरेडी है, तो वहाँ से बाहर निकलना वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, okay. तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि घर से घर को छोड़ के छोटी एज में बाहर निकलना, मैं तब कुछ नहीं जानती थी, तब आप कितने 12 साल 13 साल के, करेक्ट 12-13 साल की मैं थी, तो उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी, बाहर कभी देखा नहीं, कभी अकेले नहीं गए, तो वो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, फैमिली के लिए भी था, मेरे खुद के लिए भी था, लेकिन क्रिकेट इतना सर पे था कि नहीं करना है तो करना ही है, उसमें अब फिर मैं स्टेप बैक नहीं कर सकती थी। तो जब देहरादून से जब मैंने क्रिकेट कोचिंग ली, जब मेरा सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो हमारे जो कोच हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया जो एकेडमी में करती थी, तो उन्होंने काफी आगे ट्राई किया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, अच्छा, कि हमारे बच्चे जाएं आगे, अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए, सही बात। तो उन्होंने एक दो स्टेट्स में ट्राई किया, तो पहली कॉल मेरे को हरियाणा से आई, ओके या, तो जब मैं हरियाणा गई तो वहाँ पे मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे हरियाणा से इतना चांस मिला नहीं खेलने का, खेलने का स्कोप मुझे दिखा नहीं, और ऐसा होता है ना कि गेस्ट प्लेयर्स को तुम लोग जल्दी से चांस नहीं देते हो, क्योंकि अपने स्टेट का प्रेफरेंस पहले रहता है, तो मुझे इतना मौका मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से तो कुछ होगा नहीं, तो फिर मैंने तुरंत सर को फोन किया कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पे चांस मिलेगा और मैं शायद अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर और जगह ट्राई किए, तो मुझे सेकंड कॉल पंजाब से आई, तो मैंने एक सीजन हरियाणा से खेला, फिर नेक्स्ट सीजन मैं पंजाब चले गए, पंजाब चले गई, तो वहां पर जब मैंने अपना वहां पे कोचिंग ली, तो मेरा कॉलेज अमृतसर से है, मेरी ग्रेजुएशन अमृतसर से है, आपने 12th तक यहां पे किया, 12th तक मेरा देहरादून से किया और मेरी ग्रेजुएशन अमृतसर से है, ओके, तो वो भी सिर्फ क्रिकेट के लिए,
मुझे क्रिकेट सीखना था, मुझे आगे खेलना था, इसलिए मैंने वो स्टेप लिया। तो वहाँ से पंजाब गए, पंजाब में कोचिंग ली, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव साइंस मिले मुझे कि नहीं, वहाँ पे मेरे को अच्छा प्रेफरेंस दिया उन्होंने, अच्छी कोचिंग मिली वहाँ पर, तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से आगे बढ़ सकती हूँ। तो पंजाब में आपने अमृतसर में एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया? क्रिकेट क्लब नहीं, वो कॉलेज की ही एक एकेडमी थी। अच्छा। कॉलेज के अंदर ही। क्या नाम क्या है कॉलेज का? बेबी के डीएवी कॉलेज। ओके। फॉर गर्ल्स। ओके। ये लॉरेंस रोड पे पड़ता है, तो वहाँ पे प्रकाश सर है हमारे एक, तो वो कोचिंग देते थे, तो उनके अंडर मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम आई वॉज लाइक, मैं शायद 11th या 12th में थी, तो मैं सिर्फ गेम के लिए उधर जाती थी, स्टडी मेरी देहरादून में चल रही थी। अच्छा, तो अच्छा, ऐसा मैंने थोड़ा किया अप एंड डाउन सिर्फ क्रिकेट के लिए। तो स्टडीज आप देहरादून में करते थे, एग्जाम्स कहाँ देते थे? एग्जाम्स भी देहरादून में देती थी, एग्जाम्स भी खाली जब वो थोड़ा टाइम मिलता था मुझे, तो मैं अमृतसर जाती थी। ओके। तो थोड़ी मुश्किलें आई मैचेस खेलने के लिए, आप अमृतसर आ जाते थे कुछ ट्रायल्स हो या प्रैक्टिस मैचेस हो, बिकॉज देहरादून में, क्योंकि मुझे पंजाब से खेलना था, तो मुझे वहाँ का भी अडेप्ट करना था चीजें, कि कौन कैसा है क्या है, तो फिर मैं वहाँ गई, तो वहाँ मैंने परस्यू किया। तो जब मैंने वहीं पे सोचा क्रिकेट के लिए, तो मैंने ठान लिया कि अब मेरे को पंजाब से ही खेलना है, तो फिर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मैंने अमृतसर से की। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए स्ट्रगल, कैसे मैनेज कर रहे थे अभी इतने यंग एज में, 12-13 साल, हरियाणा जाना, फिर हरियाणा से पंजाब निकलना, तो वो थोड़ा सा फेज जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वर्थ था। थोड़ा मतलब काफी डिफिकल्ट हो गया 12-13 साल, ऐसे ही लगता है कि थोड़ा, लेकिन उस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रगल था वो। और ये साथ में आपके कौन ये सब करता था, अप डाउन एक शहर से दूसरे शहर, क्या आप अकेले ही करते थे ये सब? शुरुआत में जब हरियाणा गए थे, तो हमारे कोचेस ही हमें छोड़ने गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे छोड़ दिया एक बार, गर्ल्स के साथ रहो, हॉस्टल में रहो, जैसे मर्जी रहो, फिर लेने आ जाते थे। बाद में धीरे धीरे खुद अकेले ट्रैवल करना शुरू किया। था थोड़ा सा डर था, लेकिन अब करना है तो फिर अकेले करना ही पड़ेगा, कब तक किसी को साथ में लेके जाना। काफी डिफिकल्ट रहा होगा ये अकेले ट्रैवल करना, इतना बड़ा क्रिकेट किट बैग लेके, वो भी इतनी छोटी सी एज में। डिफिकल्ट था, लेकिन एक्चुअली देहरादून से जो है 3-4 गर्ल्स मेरे साथ और थी। अच्छा। तो मुझे इतनी डिफिकल्टी कभी आई नहीं, जैसा सोच सकते हैं आप, इतनी उम्र में निकलना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि 3-4 गर्ल्स और थी मेरे साथ। तो ये 3-4 लड़कियां आपके साथ हरियाणा भी गई थी? नहीं, सारे नहीं गए। अच्छा। दो हरियाणा गए थे मेरे साथ, लेकिन फिर हमने साथ में शिफ्ट कर लिया, वापस पंजाब गए, और वो भी पंजाब से अभी सीनियर भी खेल रहे हैं। तो आप लोग जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर में, तो कुछ एनओसी देना पड़ता है आप लोग को, पुराने वाले स्टेट को, ऐसा कुछ होता है ना? प्रोसेस होता है, एनओसी देना पड़ता है। ओके। हम लोग, जब मैं हरियाणा गई थी, हरियाणा से देहरादून में तो देने का कोई था नहीं, क्योंकि एसोसिएशन नहीं थी, तो वहाँ से तो इजी था। जब हरियाणा से मेरे को शिफ्ट करना था अमृतसर, तो वहाँ से हरियाणा से मेरे को एनओसी लेनी पड़ी। ओके। फिर पंजाब। ठीक है, फिर आप पंजाब में आ गए, पंजाब में आप डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्म करने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि इसने हराना करके कोई है जो एक दूसरे शहर से आके हमारे बच्चों को बैटिंग नहीं देते। करेक्ट, ये सुनी है हमने चीज़। ऐसा होता होगा ना? पक्का। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दी, बताइए। जब हम पंजाब गए, तो मेरा परफॉर्मेंस जब धीरे धीरे लोगों ने देखा, जो वहाँ पे सर लोग जो भी थे उन्होंने देखा, तो उनको अच्छा लगा। तो जब हमारे नेट्स होते थे, तो प्रेफरेंस मेरे को देते थे पहले, मतलब ओपन बैटिंग जाओ, ओपन बॉलिंग जो भी है, अपने तरीके से करो। ऑलराउंडर थे? हाँ, तो अपने तरीके से करो जो करना है, बाकी सबको वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे, तो मुझे जाओ तुम बैटिंग करो पहले ही। तो जो लोकल रेसिडेंट्स थे वहाँ के, जो लोकल थे प्लेयर्स एकेडमी के, तो वो थोड़ा सा जेलस होते थे, क्यों बाहर से आई है, इसको क्यों पहले दिया है, ऐसा वैसा, तो ये सब चीजें सुनने में आती थी। तो वो थोड़ा फेस था ऐसा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी था। पर ये एकदम फ्रेंडली बैंटर था या फिर? वो फ्रेंडली था, ठीक है, एक दो हर जगह ऐसे लोग होते हैं, एक दो करते हैं जेलसी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं था। करेक्ट करेक्ट। अगर आपके देहरादून में अगर एसोसिएशन होता, तो आपको शायद इतना स्ट्रगल नहीं करना, छोड़ना ही नहीं पड़ता ना आपको एक शहर से दूसरे शहर, और आप देहरादून को रिप्रेजेंट कर लेते तब। वहाँ होती तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती, पर फिर बट फिर वो मजा भी नहीं, वो मजा नहीं आया। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था, इतना स्ट्रगल किया, वो शायद स्ट्रगल कम
इतना कुछ आपको पास बताने नहीं होता आज इंटरव्यू में. मैं यहाँ बैठी नहीं होती आपके साथ अगर स्ट्रगल नहीं देखा होता. सही बात. ओके फिर आपने यहाँ पे ये तो सब ठीक चल रहा था, वो कैप्टन बना दिया गया राइट. तो वो कैसे हुआ और उसके बाद आपने फिर क्या सीखा कैप्टनशिप से वहाँ पे? उस टाइम पे इतनी नॉलेज तो हो गई थी कि टीम को कैसे हैंडल करना है या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. तो लेकिन वो होता है ना कि एक नॉलेज होनी चाहिए आपको किस टाइम पे क्या करना है कैसे संभालना है. बिकॉज जो दूसरे थे वो कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत हाइपर होते थे. ओके. तो वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाते थे. ओके. मतलब कोई अगर गंदा कर रहा है तो एकदम ऐसे चिल्ला दिया. Okay. या मतलब वो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था. मैंने कभी कोई डाटा नहीं, तो इसलिए वो सब नॉर्मल रहा. कभी ऐसे डिफिकल्टी नहीं आई मुझे कैप्टनसी में. और ये बहुत एक अच्छा ट्रेट है ना कोई कैप्टन में होना. ये कोई इश्यूज है तो वो इजीली कन्वे कर सकते हैं. हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग दूसरे से फ्रेंडली रहेंगे. हाँ. हम लोग उनके सिचुएशन को समझेंगे. yeah. तो वो लोग भी फ्रेंकली हमको बताते हैं. True. क्या क्या डिफिकल्टी है. True. या क्या प्रॉब्लम चल रही है. True. अगर मैं उनको डांटूंगी या मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट रहूंगी तो शायद वो शेयर भी नहीं करेंगे. हाँ. तो वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है. नहीं प्लेयर्स को, वो भी प्लेयर्स हैं, हम भी प्लेयर हैं, तो ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. yeah, yeah. एक जैसा ट्रीट करना चाहिए. तो वो ही था. और फैमिली से भी ऐसे ही है, जभी कुछ ऐसे बोला नहीं कभी किसी को ऊंची आवाज. थोड़ा फैमिली से भी. और आप थोड़े फैमिली पर्सन भी है ना? शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन. ओके. अगर मुझे इमोशनल, अगर मुझे कोई ऊंची आवाज में भी बोल देता है तो मैं मेरे से नहीं होता. ओके. थोड़ा सॉफ्ट हूँ. ओके. तो शुरुआत में मुझे ये दिक्कत भी आई, दूर रहना, हॉस्टल में रहना, क्योंकि कभी वो चीज देखी नहीं घर से बाहर, कभी कहीं का खाना खाया नहीं, हमेशा घर का खाया. तो वो थोड़ा शुरुआत में था, लेकिन फिर बाद में आदत बन गई. जैसे पंजाब गए, हरियाणा गए, वहाँ हॉस्टल में रहना, अलग अलग तरीके की लड़कियों के साथ बातें करना, उनका रहन सहन देखना, तो वो सब चीजें फिर अडैप्ट करना. धीरे धीरे फिर आपको मैच्योर होते जाते हो. एज भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पहले थोड़ा बचपन, अभी अभी तो हम सीनियर हैं. नहीं सीनियर नहीं, ठीक है. तो कोई ऐसे यंगस्टर्स तो भी टीम में आता है. तो अभी जैसे रेलवेज के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो रेलवेज आपने 2015 में ज्वाइन किया. तो रेलवेज ने कैसे हेल्प किया आपके ओवरऑल करियर को, ओवरऑल क्रिकेट करियर को? क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो है वो जो नेशनल प्लेयर्स है जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है वो रेलवेज के पार्ट रहते हैं, तो उनके साथ खेलने का एक अलग एक्सपीरियंस होता होगा. नहीं हाँ, इंडिया खेलने के बाद इंडियन रेलवेज ऐसी टीम है. हाँ. मतलब जिसको लोग चाहते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करें. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडियन रेलवेज का पार्ट बने. यस. तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत जल्दी मिली. ओके. इंडिया के बाद डायरेक्ट इंडियन रेलवेज की टीम में सेलेक्ट होना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो. okay. क्योंकि एज कम थी. ठीक है. और डायरेक्ट तुम्हें फिर इंडियन रेलवे से कॉल आता है कि 21 साल के थे आप. डायरेक्ट तो वहां से कॉल आता है कि यू आर सेलेक्टेड टू कैंप का जो भी, तो वो एक अलग फीलिंग रहती है. बिकॉज वहां पे भी मोस्टली इंडिया प्लेयर्स भी होते हैं इंडिया टीम में. उनके साथ खेलना, उनका एक्सपीरियंस लेना, उनके साथ शेयर करना एक ड्रेसिंग रूम. ठीक है, एक डॉर्मेट्री शेयर करना, तो काफी अच्छा. वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है. तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा स्ट्रिक्ट होता है, या फिर आप लोग वहाँ पे भी मस्ती करने का जुगाड़ निकाल ही लेते हो? फ्रैंकली स्पीकिंग स्ट्रिक्टनेस नहीं होती. वो एक प्लेयर को डर रहता है बस कि वो मिथाली राज बैठे हैं, वो हरमनप्रीत कौर बैठी है, वो ये बैठा है. लेकिन उनकी तरह से ऐसी कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है. ओके ओके. बहुत कूल एंड काम जैसे रहते हैं. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं. ओके. तो वहाँ पे फिर ये सब भी होता है, कोई सेशन होता है, कोई न्यू कमर हुआ तो देखो वो एक रीति रिवाज है. कोई कहीं नया जाए तो उसके साथ ये इंडियन टीम में तो कॉमन है. रेलवेज का क्या सीन है, रेलवेज में क्या रीति रिवाज है, मेरे को जानना है. कोई भी नया आता है, कोई भी नई एंट्री होती है, तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है. जैसे मुझे डांस नहीं आता. ओके. मुझे डांस ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता ना. और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बच भी नहीं सकते, तो मैं करना ही है. वो एक फन होता है, वो आइस ब्रेकर होता है. फिर उसके बाद एक दूसरे को और जानने लगता है, तो काफी कॉमन है. आपने कभी किसी का किया ये? नहीं. सच सच बताओ, हो ही नहीं सकता कि नहीं किया.
पंजाब की टीम में वो ऐसे ही बस थोड़ा मस्त ही नहीं कभी ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोला कभी किसी को। मन हो तो करो, नहीं मन हो तो करो। अगर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो एक ऑफ डे कैसा है आपका, एक यूजुअल डे कैसा है, मतलब पैक्ड रहता है या फिर आपको घर पे आराम करना, रेस्ट करना, सोना पसंद करते हो? ये डिपेंड करता है कि मैं कहाँ हूँ, okay, किस जगह हूँ, किस जगह पर हूँ। okay. अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा सारा टाइम घर पे ही रहता है। हाँ, फैमिली के साथ, फैमिली के साथ रहता है, मैं बाहर भी नहीं जाती ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो घर पे रहना। आपको घूमना पसंद है? हाँ, घूमना मुझे बहुत पसंद है। okay. नई नई जगह जाना, एडवेंचर करना, ट्रैकिंग करना, मेरे को बहुत पसंद। अगर मैं अमृतसर में हूँ तो आई गो फॉर मूवी। मूवी? आपको मूवी का काफी शौक है क्या? नहीं, शौक नहीं, बस ये है कि थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। ओके ओके।